हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल क्रोम में अगर आप ऑटो सेव पासवर्ड शुरू करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो कैसे करना होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटे का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल क्रोम में ऑटो पासवर्ड सेव जो है उसे ऑन और ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहां पर दोस्तों आपके दो तरह के पासवर्ड मैनेजर होते हैं, एक आपका गूगल क्रोम का पासवर्ड मैनेजर है और एक आपका गूगल अकाउंट का पासवर्ड मैनेजर है। यहाँ पर मैंने अपना गूगल अकाउंट डाल रखा है और इसे आप यहाँ पर सिंक करके अपना गूगल का भी पासवर्ड मैनेजर ऑन कर सकते हैं। गूगल क्रोम का पासवर्ड मैनेजर ऑन करने के लिए तीन डॉट हैं, उसके ऊपर जाइए और यहाँ पर लिखा है पासवर्ड एंड ऑटोफील्ड और यहाँ पर देखिए गूगल पासवर्ड मैनेजर। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है सेटिंग, सेटिंग में आप जाएंगे तो ऑफर टू सेव पासवर्ड को ऑन कर लीजिए और साइन इन ऑटोमेटिकली इसको भी ऑन कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आप जब भी कभी आप साइन इन करेंगे, सपोज करते हैं कि फेसबुक में मैं लॉग इन करता हूं, तो यहां पर आप जो भी पासवर्ड डालेंगे वो आपको ऑटोमेटिक सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो यहां पर ये ऑटोमेटिक पासवर्ड फिल कर लेगा। तो इस तरह से आप गूगल क्रोम ऑटो सेव पासवर्ड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।